हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं आपके लिए आज नेट के साथ आया हूँ। आप बोर्ड पे फिगर देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हूँ, यानी कि एक आयत बनाया हूँ। और आयत में क्या बन रहा है, यहाँ आप देखेंगे वृत्त कट रहा है, एक इधर भी वृत्त कट रहा है और एक इधर भी वृत्त कट रहा है। और आप अंदर छोटे देखेंगे, छोटा सा सर्किल बना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछता है, या तो इसका सेकेंड पार्ट बताओ या तो छोटे सर्किल का रेडियस बताओ। इस फिगर से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो गिवन क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का क्या दिया है, लेंथ दिया है। अगर आपको लेंथ मिल जाएगा तो आप देखेंगे चल लेंथ हो चाहे सर्किल का क्या हो, रेडियस हो, आपस में सब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में ये तो सर्किल का रेडियस दिया होगा, ये तो रेक्टेंगल का लेंथ दिया होगा। अब पूछता क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइंड क्या करना है, वो जो स्मॉल सर्किल है, जो स्मॉल सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, उस सर्किल का क्या पूछेगा, रेडियस पूछेगा। अगर रेडियस पूछेगा नहीं तो एरिया पूछेगा, और नहीं तो क्या करेगा, जो ये शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया पूछेगा। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, बस एक छोटा सा चीज दिया था आपको, तीन चीज पूछ रहा है, तो तीनों चीज बताने निकालने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड हो जाए तो आप इस छोटे से सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, पाई आर स्क्वायर लगा के। बस हमको क्या चाहिए, छोटा आर की वैल्यू चाहिए, यानी कि छोटे आर की वैल्यू क्या होगी। बस मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, क्या करेंगे, जो स्मॉल आर रहेगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू एल अपॉन फोर। बस आप ये लगा दें छोटा सा फार्मूला तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कितना छोटा सा ट्रिक था, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस एक छोटे से फार्मूला से। अब अगला चीज क्या है, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया पूछ रहा है, उसको किस तरह से निकालेंगे। जो इसका एरिया फार्मूला होगा उसको देखेंगे आप, बस छोटा सा और लगाएंगे 99 अपॉन 56 एल स्क्वायर। बस आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएं तो आपको सेटेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। देखिए कितना छोटा सा ट्रिक है, बस आप इस ट्रिक को यूज करिए और अपने क्वेश्चन को बनाए एकदम आसान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।